दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके फ्री फायर के पेमेंट मेथड में जो ईमेल आईडी ऐड है उस ईमेल आईडी को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको उस ईमेल आईडी को आपके फोन में लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी को अभी आप अपने पेमेंट मेथड में ऐड करना चाहते हैं। तो यदि पहले से ही आपके फोन में वो ईमेल आईडी ऐड है जो जिस ईमेल आईडी को आप अपने पेमेंट मेथड में ऐड करना चाहते हैं, तो अभी को क्या करना है कि आपके फ्री फायर के पेमेंट मेथड में अभी जो ईमेल आईडी ऐड है उस ईमेल आईडी को आपके फोन से रिमूव करना है। क्योंकि दोस्तों रिमूव के अलावा आप अपने फ्री फायर के पेमेंट मेथड से अपना ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक ऐसा कोई सिस्टम लॉन्च नहीं किया गया है जिससे आप अपने फ्री फायर के पेमेंट मेथड से अपना ईमेल आईडी को चेंज कर सके। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं ईमेल आईडी को रिमूव करने के साथ साथ लॉगिन करना भी दिखाऊंगा। मतलब आपके फ्री फायर के पेमेंट मेथड में अभी जो ईमेल आईडी ऐड है उसे आप जब भी अपने फोन से रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दूसरा जो ईमेल आईडी है वो आपके फ्री फायर के पेमेंट मेथड में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप अपने उस ईमेल आईडी को, मतलब पुराना वाला ईमेल आईडी को, अपने फोन में लॉगिन कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके फ्री फायर के पेमेंट मेथड में अपना ईमेल आईडी चेंज भी हो जाएगा और पुराना वाला जो ईमेल आईडी है वो भी आपके फोन में रह जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल डॉग सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पर दबा लेना है ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये जो फ्री फायर का अकाउंट है तो इस फ्री फायर के पेमेंट मेथड में जो ईमेल आईडी ऐड है उस ईमेल आईडी को चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस अकाउंट के पेमेंट मेथड में जो ईमेल आईडी है उसे आप देख लीजिए। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो डायमंड का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर मैं सिंपली से प्रेस कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी एक टॉपअप वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, तो मैं जैसे यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर प्रेस करता हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे इस पेमेंट मेथड में यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिखाया गया है वो ऐड है जो कि devbabu2k20@gmail.com से है, जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। तो अभी मैं इस ईमेल आईडी को चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है वो आप अभी यहां पे ध्यान से देख लीजिए। तो इसके लिए क्या करना है कि आपके फ़ोन में जो जीमेल वाला एप्लीकेशन दिया गया है तो इस जीमेल वाले एप्लीकेशन को आपको सिंपली से ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो लोगो दिया गया है इसके ऊपर सिंपली से आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल आईडी ऐड है वो सारे ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मेरे फ्री फायर के पेमेंट मेथड में यहाँ पे जो ईमेल आईडी है ये ईमेल आईडी ऐड है। तो अभी मैं इस ईमेल आईडी को ऐड करना चाहता हूँ जो कि freefirking7319@gmail.com से है। तो इसके लिए क्या करना है वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको उस ईमेल आईडी को रिमूव करना है जो ईमेल आईडी आपके फ्री फायर के पेमेंट मेथड में ऐड है। तो ईमेल आईडी को अपने फोन से रिमूव करने से पहले एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों आप जिस ईमेल आईडी को अपने फोन से रिमूव करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी का एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिएगा। और आप जिस ईमेल आईडी को अपने फोन से रिमूव करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है तो ऐसे में क्या करना है वो आप देख लीजिए। क्योंकि बाद में आप जब अपने ईमेल आईडी को फिर से अपने फ़ोन में लॉगिन करना चाहेंगे तो ऐसे में आपको अपने ईमेल आईडी के साथ साथ पासवर्ड भी डालना होगा। तो ईमेल आईडी का पासवर्ड पता करने के लिए क्या करना है कि आपको उस ईमेल आईडी के ऊपर प्रेस करना है और लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे इस ईमेल आईडी के ऊपर सिंपली से प्रेस कर दूंगा। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है कि सिंपली से मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर सिंपली से आपको प्रेस कर देना है। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको बस सिंपली से सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि पासवर्ड है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है कि सिंपली से पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड पता करने के लिए क्या करना है कि नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है तो आपको बस सिंपली से फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे अपना लास्ट पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यदि आपको अपने लास्ट पासवर्ड नहीं पता है तो नीचे जो ट्राई अनदर वे का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट लॉक यदि आपको दिखाया जाता है तो ऐसे में आप अपने फिंगरप्रिंट लॉक से भी अपना जीमेल का, मतलब ईमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। और यदि आपके फिंगरप्रिंट ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाया गया है तो ऐसे में क्या करना है कि नीचे जो ट्राई अनदर वे का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर सिंपली से आपको प्रेस कर देना है और आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे यहाँ पे यस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे
अपना पासवर्ड सेट करना है, जो भी पासवर्ड आप अपने ईमेल आईडी पे सेट करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड पता है। तो आप यहाँ से अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड पता कर लीजिएगा या फिर नया पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन से उस ईमेल आईडी को रिमूव कीजिएगा जो ईमेल आईडी आपके फ्री फायर के पेमेंट मेथड में ऐड है। तो किसी भी ईमेल आईडी को अपने फोन से रिमूव करने के लिए क्या करना है कि आपको अपने फोन में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो लोगो दिया गया है इसके ऊपर सिंपली से आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर सिंपली से आपको प्रेस कर देना है। तो जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो गूगल वाला ऑप्शन दिखाया गया है तो आपको बस सिंपली से गूगल के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही दोस्तों आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी है वो सारे ईमेल आईडी शो होगा। तो अभी क्या करना है कि आप जिस ईमेल आईडी को रिमूव करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी के ऊपर सिंपली से आपको प्रेस कर देना है। तो जैसे प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो नीचे जो मोड का ऑप्शन दिया गया है तो आपको बस सिंपली से मोड के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिमूव अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो रिमूव अकाउंट के ऊपर सिंपली से आपको प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है वो आपके फोन से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मेरे फोन से वो ईमेल आईडी रिमूव हो चुका है जो ईमेल आईडी मेरे फ्री फायर गेम के पेमेंट मेथड में ऐड था। तो अभी हम देख लेंगे कि फ्री फायर में मेरा ईमेल आईडी चेंज हुआ है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली से मैं अपना फ्री फायर गेम को ओपन कर लूंगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने फ्री फायर गेम को ओपन कर लिया है। तो फ्री फायर गेम को ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली से मैं यहाँ पे जो डायमंड वाला ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर मैं सिंपली से प्रेस कर दूंगा। प्रेस करने के बाद दोस्तों किसी भी एक टॉपअप वाले ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो तीर का निशान दिया गया है इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे फ्री फायर के पेमेंट मेथड में पहले जो ईमेल आईडी ऐड था वो चेंज हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं पहले यहां पे devbabu2k20@gmail.com से जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी ऐड था, जो कि अभी यहां पे freefireking7319@gmail.com का ये जो ईमेल आईडी है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं तो आपका भी जो ईमेल आईडी होगा वो आपकी फ्री फायर के पेमेंट मेथड में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा पुराना ईमेल आईडी रिमूव करने पर। तो अभी आप इस ईमेल आईडी के थ्रू कोई भी पेमेंट अपने फ्री फायर में या फिर कहीं और दे सकते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि पुराना जो ईमेल आईडी है उससे आप कैसे अपने फोन में लॉगिन कर पाएंगे। और ये भी आपको देखना है कि पुराना वाला ईमेल आईडी को अपने फोन में फिर से लॉगिन करने पर क्या फिर से फ्री फायर के पेमेंट मेथड में वो ईमेल आईडी ऐड हो जाएगा, वो भी आपको देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि कैसे आप अपने पुराने वाले ईमेल आईडी को अपने फोन में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में जीमेल का जो एप्लीकेशन दिया गया है तो जीमेल वाले एप्लीकेशन को आपके फोन में ओपन करना है। तो जैसे ओपन कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो लोगो दिया गया है तो आपको बस सिंपली से इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि ऐड अनदर अकाउंट। तो आपको बस सिंपली से ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल का ये जो ऑप्शन दिया गया है तो आपको बस सिंपली से गूगल के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप देख लीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को एंटर करना है जिस ईमेल आईडी को आप अपने फोन में फिर से लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैंने जिस ईमेल आईडी को रिमूव किया था वो ईमेल आईडी है कि devbabu2k20@gmail.com। तो मैंने यहाँ पे उस ईमेल आईडी को डाल दिया है। तो अब सही से अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है तो इसके ऊपर सिंपली से आपको प्रेस कर देना है। तो अब जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाया गया है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड सही से दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है तो इसके ऊपर सिंपली से आपको प्रेस कर देना है। तो जैसे ही प्रेस कर देंगे उसके बाद दोस्तों आई एग्री का ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर सिंपली से आपको प्रेस करना है। प्रेस करते ही दोस्तों आपके फोन में वो ईमेल आईडी ऐड हो जाएगा जिस ईमेल आईडी को आपने रिमूव किया था और फिर से लॉगिन किया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा जो ईमेल आईडी है devbabu2k20 ये ईमेल आईडी मेरे फोन में लॉगिन हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी है मतलब मेरे फ्री फायर के पेमेंट मेथड में जो ईमेल आईडी ऐड था उस ईमेल आईडी को फिर से मैंने अपने फोन में लॉगिन किया है।
तो ऐसे में क्या फिर से वो ईमेल आईडी मेरे फ्री फायर के पेमेंट मेथड में ऐड हो जाएगा, वो आप अभी यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके लिए सिंपली से मैं इस डायमंड के ऊपर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे किसी भी टॉपअप वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर दूंगा। प्रेस करने के बाद दोस्तों मैं सिंपली से यहाँ पे जो तीन निशान दिया गया है इसके ऊपर मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा जो पहले ईमेल आईडी था, जिस ईमेल आईडी को अभी मैंने अपने फोन में लॉगिन किया है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। मेरा जो दूसरा ईमेल आईडी था जो कि फ्री फायर किंग 7319@gmail.com से है, वही ईमेल आईडी मेरे फ्री फायर के पेमेंट मेथड में ऐड है, जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ही आप अपने फ्री फायर के पेमेंट मेथड से अपना ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब लाइक कीजिएगा और कमेंट में कोई सवाल लगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और जब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लीजिए ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।